मुअज्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आदाब अर्ज़ है। आइए आज आपकी खिदमत में एक ड्रामा पेश करते हैं। इस ड्रामे की खुसूसियत ये है कि इस ड्रामे को बच्चों ने लिखा, स्क्रिप्ट और मुकालमे भी बच्चों के हैं, साथ ही हिदायतकारी उन्हीं की है और सब मिलकर आपके सामने पेश करते हैं। एक जगह अपनी नज्म में सुलेमान खतीब ने कहा था, उजला देखा उछल गया पुट्टा, पीला देखा फिसल गया पुट्टा। दहखानी जबान में गोया सुलेमान खतीब वालदेन से की जानिब से अपने बच्चों के लिए शिकायत पेश करते हैं। इसी तरह बच्चे आज इस ड्रामे में अपने वालदेन से शिकायत करते हैं। आइए इस खूबसूरत शिकायत को, जो अपने हक को हासिल करने के लिए वो करते हैं, जरूर देखें। खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वाह क्या लिखती भाई अल्लामा इकबाल भी। अयो क्या कर रहे, मफोखिया तुम्हें दिख रहे ने क्या गंगू, मैं बड़ी शायरा बनने के लिए तैयारी कर रही हूँ। सो क्या पागल हो गई क्या माँ? ता हाँ जमीन पर नहीं तुम्हारे, अब एक हफ्ते में एग्जाम सारी सकते, ये शायरी वायरी छोड़ो जी अम्मा, दिमाग पढ़ने में लगा दलो। क्या बकरी गंगू, तुझे समझ में आता नहीं? अयो अम्मा बाबा बोली मैं बड़ी शारा बन गई तो लोग आगे पीछे फिरती माँ, क्या वो बोलते से उसे, अयो वोच माँ पॉपुलर लोग के पास आती ना लेने के वास्ते, अयो वोच माँ शाहरुख खान के पीछे 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 आती ना, क्या वो ऑटोग्राफ लेने के वास्ते लोग आगे सामने फिरते, सारे सिटी में हंगामा मच जाएगा नहीं हो। तुझे क्या बोल रहा हूँ सो, जा झाड़। क्या करती करो जी अम्मा, तुम्हें तो समझ तेज नहीं। अब्बा अम्मी तुम्हें यहाँ है कि मैं कब से तुम ना ढूंढ रहा मालूम? अब्बा मैं शेर लिखूं बा सुनाऊं की? कहाँ सुना? सुना पहले वावा तो बोलो जी। वावा वावा अर्ज करती हूँ मैं, दर्दे दिल की खट्टी दवा है सो तुम्हें, दर्दे दिल की खट्टी दवा है सो तुम्हें, जिंदगी की वफा है सो तुम्हें, नहीं मुझसे जुदा है सो तुम्हें, सुनो मी नहीं मुझसे जुदा है सो तुम्हें, मेरी हर एक अदा है सो तुम्हें, घोड़ा नहीं गधा है सो तुम्हें, क्या बोल रही देखो जी उन्हें, घोड़ा नहीं गधा है सो तुम्हें। ओए तू क्या बोल रहे सो? अयो माफ कर दलो बा, सुनो बोल रहा हूँ मैं, खुदा की नेमत निशानी है सो तुम्हें, अब कैसा लगे बा? वाह वाह क्या लिखता ली ना फक यार, फ्रिज के ठंडे ठंडे आइस के कोले जैसा है। हाँ बा सही जी, हमने इसी शायरा दे डालिया खुदा शुक्र करना। तू मिर्जा गालिब की शागिर लग रही सच्ची बा। हेलो
कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या बहुत दिनों बाद याद करी? हो क्या 96% ले लिया? लियो भाई, तुम्हारे बच्चे भगवत पढ़ ले रही। तुम ना कॉल कर, तुम्हें रखो, क्या कि जरूरी काम याद आगा। अल्लाह हाफिज। बशीरा, क्या देखो? क्या हुआ जी? हमारे चिचेरे ताया के फुफेरी बहन का, मौलेरी मामी का। कौन जी वो? छोटा बेटा। हाँ। 96% ले लिया। 96% ले लिया बच्चा वो। इन्हें क्या करते है? 24 घंटे शेर शायरी। हमारे बच्चे क्या अभी काम के नहीं? हाउ जी, क्या करते हैं ये पोट्टी? खाली शायरा लिखती गते, पढ़ती सो कब कते जी उन्हें? देखो जी, इनको इनोष ना बोले सु मुझे पढ़ाई छोड़ को शायरी करो बोल को, पढ़ाई छोड़ को शायरी करो बोले सो। आपके हाथ में मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे सो, मैं कैसे पढ़ना सो सब भी वो। ए मुमुच, उन बोरिन सो सही, पढ़ती नहीं करती नहीं जी उन्हें, खाली शायरा लिखती। बिगड़ को चले गई पट्टिया। चलो जी जाएंगे, जाने का नहीं है हमारे को। देख माँ, अब बैठ जा तू, कोने में बैठ जा। अच्छा पढ़ को तू 96% लाना, समझी कि नहीं तू? चलो जी जाइए। अब्बा अजी, अब्बा अम्मी, अल्लाह, एक की छापता है एग्जाम के वास्ते, पढ़ना सकते कैसे पढ़ू? पढ़ को 96% कैसे लाऊं? बहुत डर लग रहा है मुझे। खुर्बत मिली मगर सहारा ना मिला, खुर्बत मिली मगर सहारा ना मिला, खरीब पहुंचकर भी साहिल का किनारा ना मिला, खरीब पहुंचकर भी साहिल का किनारा ना मिला। देखता रहा गौर से अपनी हथेली पर, देखता रहा गौर से अपनी हथेली पर, लेकिन अपनी फूटी किस्मत का सितारा ना मिला। क्या कर रही सो फोखिया, पढ़ लेंगे चल। साइंटीटा बाय कॉस्टीटा इज टैंटीटा, साइंटीटा बाय कॉस्टीटा इज टैंटीटा, कॉस्टीटा बाय टैंटीटा, कॉस्टीटा बाय साइंटीटा इज कॉटीटा, कॉस्टीटा बाय साइंटीटा इज कॉटीटा। अम्मी गुड्डू आगा देखो। अयो आज गुड्डू ले मा, चुन हटो जी जरा, आज गुड्डू। अयो कितना प्यारा है ना मेरा गुड्डू, पसीने में देख माँ कई संभाले उन्हें। आ पोछ तो जा, जा को मुँह धोका, देख पसीने में नहा गए ना। हूँ अब्बा, दो मिनट में आता हूँ। जा जल्दी आ, हमें स्पाइडरमैन फिल्म देखनी। ए मारिया, कि स्पाइडरमैन देख माँ, क्या प्यारा है देखिए। हाँ अम्मी, कहाँ इन्हें इतना खुद क्यों लगा रहा है? तुझे मुंह धोखा का तो क्या कर रहा है तू? गुड्डू जल्दी आ रहा है, आ देंगे वो फिल्म। आया, बैठ तो मेरे पास, देखो मकड़ी के इंसान को। उसे हीरोइन डायरेक्टर जी, जी हमारा गुड्डू भी स्पाइडरमैन बन गया तो कितना अच्छा होगा ना जी। अयो देखो ने कैसे उछल रहा, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, दूसरी से तीसरी, वाह हमने एक मिनट में
इतनी सारी तरकारी लग दे सकता नहीं हमारा गुड्डू। अयो क्या बोल रही स्वामी तुम्हें, ये सभी होने जाने के काम आने देखो, कौन तो भी स्पाइडरमैन सुपरमैन बन सकता है क्या मी? ए चुप बैठ मा। कि वो नहीं बन सकता, उन्हें बन रहा नहीं, तुम ना सभी क्या कमी कर डाले, उसके पास है क्या? मकड़ी का पावर है ना बा। तू चुप बैठ, क्या बनना चाहती वो बन सकती। गुड्डू क्या क्रिकेटर बनेगा? क्रिकेटर बन को क्या चौके छक्के मारता, चौके छक्के मारने वाले बहुत है, लेना नहीं देना नहीं, वो स्पाइडरमैन तो बनगा तो मेरा पूरा काम आसान कराता है, मेरे सिर का बोझ उठा लेता नहीं ने। लेकिन अब्बा तुम ऐसा ना बोलो सबा, गुड्डू को क्रिकेटर बनो बोल को, अब क्या तुम्हें ये वो बोल रही? तुझे चुपके बैठने से नहीं होता। हो बा मैं बनना, देखो मैं बन तो लियो बा, मैं स्पाइडरमैन बनना चाहिए, आज से मैं हूँ स्पाइडरमैन, याहू! पूरे खानदान में ऐसा बनना नहीं बनया हुई गालियो। बशीरा आओ जी यहाँ। काय को जी वो चिल्ला रही है, लियो पानी पियो। मारिया को IAS कोचिंग को डाल गया। हाउ की एक बार बड़ी ऑफिसर बन जान दे, फिर देखो हमारा भी क्या ढाक रहता है। हाँ ना जी, सामने तो नौकरा पीछे तो नौकरा, रख ले जा घर के सामने बड़ा पंडाल डाल को, सबको फुकट में खाना खिला तू। हाँ ना जी, आते जाते अदम्यान भी सलामा मारना होना। हाँ जी, सच में हमारी मारिया IAS ऑफिसर बन गई तो कितना अच्छा होगा ना जी। हाँ अब्बा, मैं सच में अच्छा पढ़ को बड़ी ऑफिसर बन जाती हूँ बा। सुनो मी, मैं दिन रात पढ़ती लो मी। ए मारिया, ए मारिया, जरा पानी ला मा, देख तेरा गला बहुत तेज दर्द कर रहा। अम्मी अम्मी मारिया दीदी बहुत पढ़ रहे दिखता है, तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही, ठहरो लाती हूँ। ऐसा कैसा पढ़ रही हो ने, जो अम्मा की बात सुनाई नहीं दे रही उसको? अयो जी कान जी, तुम्हें जल्दी आओ, देखो तुम्हें जी कान जी। क्या हुआ जी? आओ जी दर बैठो, क्या बोल तू सुनो गौर से, बैठो जी। बोलो। ये पट्टियां सारे बिगड़ को चलेगी जी, मारे देखो मेरी आवाज को सुन रही है ना जी उन्हें? कहा है उन्हें? कहा मर रही के लियो, मेरे बच्चे क्या भी नहीं कर रही ना, पहले एक लड़का धुन को शादी करेंगे वो। हाँ जी मैं बोल रही हूँ बात सुनो, पट्टी को पट्टा ढूंढ को जल्दी शादी कर को, उसका मुंडा मुझ को छोड़ो जी, ये होने जाने की कामाच नहीं। क्या बोल रही है मैं तुम्हें? मारिया दी रात भर पढ़ पढ़ को सो गए सो, इसलिए तुम्हारी पुकार सुन नहीं सके। हाउ की अब मैं स्पाइडरमैन बनने जा रहा हूँ। दे पानी दे। अयो अम्मी गुड्डू बोल रहा सो सही मी, मैं देख को आ रही हूँ ना, मारिया दीदी बहुत पढ़ डाल रही, सो गए थे सो मी, इसलिए आवाज नहीं सुन सके सो। क्या हुआ अम्मी, पहले पढ़ो बोलते सो, उसके बाद शादी कर लियो बोलते सो, मैं करूँ तो क्या करूँ अम्मी? अयो नहीं जी, होने जाने की कामाच नहीं बोलूँ, देखो पट्टी की जल्दी शादी कर छोड़ो, समझ रही की नहीं तुम्हें? अयो कैसे माँ बाप जी तुम्हें बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखा रहे, उनके दिमाग में उलझन पैदा कर डाल रहे, इस हाल में बच्चे क्या कर सकते?
देखो यहाँ, एक बार में दो कश्तियां पो पामा नहीं रखना, गिर जाती। दो तो छोड़ो, इनो तो हद्दिच कर डाले। चार कश्तियां, दो पो पामा, दो पो हाथा, क्या खराब गिरते की। फोखिया, कहाँ ही फोखे तुम्हें? फोखिया, क्या हुआ सो? बुखार। अम्मी, फोखे को बहुत तेज बुखार चढ़ को है मी, कहाँ ही जल्दी आओ मी। क्या हुआ मब? देखो माँ, उसे बहुत बुखार आ गये। हयो, देखेंगे। सही भी। बुखार में जल जा रही अम्मी। बहुत तेज बुखार आ गई ना। लेट आ, लेट लेट। कल उसका एग्जाम ना, कैसा लिखते है उसका एग्जाम उन्हें? कैसा लिखती किले? जा जल्दी शॉल ले लो का। जी कान जी तुम्हें इधर आओ जी। क्या हुआ जी? देखो जी, फोख क्या बुखार में कितना जल जा रही ना जी। हाँ क्या जी, इसे 96% लोग तो बुखार ही चाह जाती है। अब छोड़ो ना जी। खड़ो, डॉक्टर को बुलेंगे। अयो मगर देखो, हैदराबादी हॉले को नक्कोच बुलाओ। देखो तुम्हें चुपके बैठ नहीं सकते, बैंगलोरी टमाटर उन्हें हैदराबादी हकीम के वता अच्छा डॉक्टर रिच नहीं कि वो या नहीं तुम ना सर में दर्द बोल को पेट की दवा दे डाले आऊं को। अब जान दो तुम ना मालूम इसलिए क्या हुआ था 7 दिनों तक। चुपके बैठो। हेलो, कौन हकीम? मैं रफीक साहब बात कर रहा हूँ। जरा घर को आती हूँ, हमारी बेटी बीमार है। आओ जल्दी आओ, रखो। अस्सलाम वालेकुम। आओ डॉक्टर साहब, आओ। मेरी बेटी बुखार आ गया उसको। क्या हुआ हकीम? हाँ बेटी हमारी। अच्छा अच्छा अच्छा, देखता हूँ मैं, देखता हूँ। हेलो भाई, तुम्हारे पास सेल लेके गया था, लौटाने आया हूँ। गंगू ले। ऐसे चल रखो। देखो जी, खाली पीली दिमाग न को खराब करो। 101 डिग्री बुखार है, 103 डायल करो, एम्बुलेंस मंगवा लो। अयो इसका कल एग्जाम है सो। ऐसे हालत में एग्जाम सवाल ही नहीं पैदा होता। देखो जी, पहले हालत खराब है, टपकने से पहले एम्बुलेंस मंगवा लो। और कान खोल के सुनो। क्या खोल के? कान खोल के। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई काम नहीं आती, हुनर काम आता। और मेरे को देखो, 7वीं फेल होके भी आज हकीम हो। चलो लेके जाओ। हकीम, पानी उधर। यहाँ पर रफीक साहब कौन जी? हाँ भाई मैं चे। वो स्पाइडरमैन का बच्चा तुम्हारा चे? क्यों, उसे क्या होगा? उन्हें स्पाइडरमैन के कपड़े पहनने को एक बिल्डिंग से कूद डाले ना जी। क्या जी, तुम्हारा बच्चा क्या कामा करता ना जी, संभाल को रखने आता नहीं क्या जी? बशीरा, क्या हुआ जी? अब इतने परेशान कहीं दिख रहे जी तुम्हें? हमारा बच्चा। हमारे बच्चे को क्या हुआ? बिल्डिंग पर से गिर गया होते। अयो नहीं गुड्डू। कौन तो भी सुपरमैन स्पाइडरमैन बन सकती क्या जी? चलो जल्दी गुड्डू। हत्तू इपत्तू मुवत्तू। क्या होगा सोमी गुड्डू को? देख माँ क्या हालत हुई गुड्डू की, स्पाइडरमैन के कपड़े पेंट को ऊपर से कूद आ जाएंगे। भाई बोली तुम ना, ये सभी होने जाने के काम आने कर को।
फिर तुम्हें कान सुनती बोलो। देखो तुम्हारे सामने जब है। चुप बैठ बाप। अयो क्या जी आप लो। अपेचना बच्चों को यत्ता गलत सिखाती। सो पहले फोखिया को बोलती शायरा बनो बोल को, उसके बाद इनो सुनती कि कोई बच्चा 96% लिया तो अपनी बेटी को भी पढ़ने के लिए बोलती। कौन तो भी एग्जाम के एक हफ्ते पहले पढ़ को 96-97 निकाल सकता है क्या जी? वो बच्चे सारा साल मेहनत कर को 96-97 निकालते हैं। सो अब गुट्टो की बात ले लो जी। पहले उसे बोले डांसर बनना बोल को, उसके बाद क्रिकेटर बनना बोल बोले, ये बार तो हद्दीच कर डाले ना जी। उसे स्पाइडरमैन बनने को बोलती। कौन तो भी स्पाइडरमैन सुपरमैन बन सकता क्या जी? समझदारी से काम लेना। हाँ और फिर मारिया की बात ले लो। पहले तुम लोग उसको IAS ऑफिसर बनाना चाहते थे, फिर जब बच्ची ज्यादा पढ़ने लगी और तुम्हारी बात सुनी नहीं, अब तुम लोग उसकी शादी करते जी। हौले हुए क्या? उम्र तो भी है शादी की है। देखो जी गलती तो माँ बाप से छोटी, और फिर माँ बाप का तो फर्ज है बच्चों को सही रास्ता दिखाने का। मेरे को लग रहा आप लोग आम बच्चों को कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज कर डाल रहे। माँ बाप का फर्ज है बच्चों को हौसला देना, उन पर दबाव डालना नहीं, फिर ना बच्चे घर के रहते ना घर के। अयो बशीरा क्या के होगा सो गुड्डू को? खबर सुन डाल को भाई, नेचने हुआ उठको आगे। अम्मा तुझे बड़े भाना बोलती सो बात आन सुने नहीं आते। कहता बुलबुल को भेजी थी समझदारी से काम ले कर को, मगर देख तेरे दिमाग में गैच नहीं बाता। तू कार लियो, एसी लियो, टीवी लियो, फ्रिज लियो, कर को बोल डाली तो भी सही तेरा मरद ला लेता। मैं मानती हूँ गे तुम्हारे पास दौलत है कर को, मगर क्या गे पैसा है कर को, बच्चियां को कब तो भी ये बनो कब तो भी वो बनो कर को बोलते रहती। सो ऐसा कंफ्यूज करे तो ये छालत होती है। देख अजी उन्हें वैसी है, तुम ना अकल ले समझदारी से काम लेना नहीं, क्या कर को रख दले ना जी तुम्हें। तुम ना बच्चे पालने आयाज नहीं लियो उधर। आपा जान जो बोल रहे सही है जी, हमें कितने गलत थे ना जी। हाँ जी बहुत गलत करा ले हम। गुड्डू बच गया वो चल्ला का शुक्र, इन्हें अब से क्रिकेटर बनता होते। हाँ वोच बनेंगे। सही जी, अब से हमें फोखे को दबाविश नहीं डालेंगे जी। कितने भी मार्क्स ले सकती जुने हमारी बच्ची जी, और मारिया को हमें IAS ऑफिसर जरूर बनाएंगे। वाह ये बात।